और आज हम लोग वेब डिज़ाइनिंग पार्ट टू का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि WWW क्या होता है, HTTP क्या है, यानी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों को हम लोगों को देखना है। वेब डिज़ाइनिंग पार्ट चलिए स्टार्ट टू। करते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है WWW। इसके पहले जो पहले भी वीडियो मैंने बनाया है उसमें WWW पढ़ाया था, समझाया भी था, लेकिन आज इसमें आपके टॉपिक में था तो इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेब, ठीक है। तो नाम से ही इसकी अगर मीनिंग समझे समझ में आ जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट्स हैं उनका कलेक्शन, यानी एक तरीके क्या है, एक इंटरनेट प्रोजेक्ट है WWW, जिसको जिसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्ली साहब ने। मैंने इसमें लिखा नहीं है बट आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि टिम बर्नर्ली साहब ने 1989 में डेवलप किया था इसको, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में मैंने इसके डिटेल में मैं गया था बट आज मैं आपको समझा रहा हूँ केवल कि WWW है क्या, ठीक है। दीज वेबसाइट्स कंटेन, अब वेबसाइट्स में होगा क्या, कोई भी वेबसाइट में क्या होता है, इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, ग्राफिक्स होता है, इमेजेस होता है, ठीक है, इन सब कॉम्बिनेशन को। अब ये WWW करेगा क्या, यानी एक दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं उनका एक पूल है, कलेक्शन है, जहाँ पर सारी वेबसाइट आके जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जब सारी वेबसाइट जुड़ जाएंगी तो उसी से दुनिया के हर डिवाइसेस, यानी जितने भी यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से, इन सब से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे और अपना डेटा एक्सेस करेंगे। अब उन वेबसाइट्स में होगा क्या, मैंने पढ़ाया था कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक और सब्जेक्ट, ठीक है, किसी सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इंटरनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर है मीडिया के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है, और यही है WWW। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में दो पॉइंट याद रखिएगा, फुल फॉर्म तो आप पता है क्या होता है, ये इंटरनेट प्रोजेक्ट है, दूसरा डेवलप किसने किया था, टिम बर्नर्ली साहब ने 1989 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्राउजर। ब्राउजर बहुत ही सिंपल सा बात है, ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किया जाता है टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट और WWW बाय द क्लाइंट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरनेट हमेशा किस पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। इंटरनेट ऑलवेज वर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, एंड इसका मतलब इंटरनेट पे दो लोग जरूर होंगे, एक होगा क्लाइंट, एक होगा सर्वर, ठीक है। तो जो क्लाइंट होता है ऑलवेज परफॉर्म द रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड सर्वर प्रोवाइड द रिस्पॉन्स। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो यू आर द रिक्वेस्टर, यानी यू आर अ क्लाइंट, एंड आई विल प्रोवाइड अ आंसर एज अ सर्वर, यानी वी प्रोवाइड द सर्विस, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाले क्या बोलते हैं, सर्वर। तो इसका मतलब रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, क्लाइंट। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट कैसे करेगा, अभी आप खुद सोचिए कि एक सिस्टम से अगर मुझे गूगल को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, मतलब गूगल से मुझे कुछ पूछना है, तो क्या मैं डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकता हूँ गूगल को। गूगल को अगर मैं बोल करके भी एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे ब्राउजर को ओपन करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ब्राउजर कौन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी रिक्वेस्ट को जनरेट करता है और ट्रांसफर करता है कहाँ पर, सर्वर तक। तो मैंने यहाँ देखो लिखा है, ये लिखा है द ब्राउजर मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर एंड देन डिस्प्ले बैक टू द यूजर, यानी जो रिक्वेस्ट हम करते हैं वो रिस्पॉन्स के फॉर्म में किसके पास आता है, ब्राउजर के पास आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ब्राउजर के नाम मैंने लिखे हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, ये सब क्या है, ब्राउजर के नाम है, ये आपके चार पांच मैंने ब्राउजर के नाम लिखे, और आप लोगों को कई सारे ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे नाम ब्राउजर आपके पता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्राउजर। नेक्स्ट पॉइंट आता है HTTP, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नॉर्मली मैं हमेशा ये पॉइंट पे आपको डिस्कस करने के लिए बोलता हूँ, एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में, जब भी आपको पढ़ना हो तो आप केवल वर्ड्स पे जाइए। तो आपको यहाँ पर पॉइंट एक मिल रहा है हाइपर टेक्स्ट, दूसरा है ट्रांसफर, तीसरा है प्रोटोकॉल। इतना कॉमन सेंस आप लगा चुके होंगे कि एक ऐसा प्रोटोकॉल होगा जो कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ आगे बता भी रहा है क्या ट्रांसफर करेगा, कह रहा है हाइपर टेक्स्ट। अब हमें ये पता चल जाए हाइपर टेक्स्ट क्या होता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये प्रोटोकॉल करेगा क्या। तो ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। और आपको पता है ये सब कहाँ होता है, किसी वेबसाइट में, यानी वेब पेज पे। इसका मतलब देखा जाए तो HTTP क्या हुआ, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो वेबसाइट्स को, यानी वेब पेज को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे वेबसाइट या वेब पेजेस को ट्रांसफर करने का काम करता है। क्वेश्चन बनता है कहाँ से ट्रांसफर करेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसके बारे में, ब्राउजर के बारे में। तो ब्राउजर में आपने क्या पढ़ा था कि ये रिक्वेस्ट करता है, यानी जो मुझे चाहिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो वेबसाइट ट्रांसफर होगी तो कौन करेगा, HTTP करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ इट इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल,
इसका मतलब क्या है कि इस पर भी रिक्वेस्ट होता है तभी ये रिस्पॉन्स देता है, यानी स्वाभाविक सी बात है जिस वेबसाइट का हम रिक्वेस्ट करते हैं उसी का रिस्पॉन्स देगा। कहाँ से देगा? वर्ल्ड वाइड वेब से। इसमें डेटा क्या होगा? हाइपर मीडिया होगा, कोलोबरेटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, क्लियर, जो कम्युनिकेट करता है डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब से, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल, दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है स्टेटलेस, एक होता है स्टेटफुल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होते हैं जो अपने काम करने के बाद उसकी कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं करते, यानी HTTP काम क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी वेब पेज को ट्रांसफर करना, और ट्रांसफर करने के बाद ये दोबारा जब दूसरी रिक्वेस्ट आती थी उसको न्यू रिक्वेस्ट मानता था, उसका किसी से लिंकअप नहीं होता था, यानी ये भूल जाता था एक तरीके देखा जाए तो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल जो हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता, यानी कोई भी ट्रैकिंग नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जैसे स्टेटफुल प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। उनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है? एक स्टेटफुल प्रोटोकॉल मैं बता दे रहा हूँ, IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टेटफुल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होते हैं। स्टेटफुल का एग्जांपल मैंने बता दिया, स्टेटलेस का एग्जांपल आपके सामने है HTTP। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और इसका पूछता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इन बातों को आप बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। अभी कह रहा है कि दैट एक्सचेंज वेब पेजेस बिटवीन द डिवाइसेस फ्रॉम द इंटरनेट। याद रखिएगा कि इंटरनेट को मतलब डेटा एक्सचेंज तो करता है, लेकिन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर पहुंचाने के बाद भूल जाता है, यानी एक तरीके से कहा जाए तो ये हिस्ट्री कोई मेंटेन नहीं करता, यानी ट्रैकिंग नहीं करता। अब HTTP डिजाइन कब हुआ था? 1990s में, ठीक है, याद रखिएगा 1990s में कब आया था? 89 में आया था www, 1990 में कौन आ रहा है? HTTP। और उसी समय आपको पता होगा HTML भी आया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हो गया। HTML कौन था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, तो ये हो गया। HTTP एक एक्सटेंसिबल प्रोटोकॉल है, दैट है ओवर इवॉल्व ओवर टाइम, यानी एक्सटेंशन मतलब होता है जिसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, यानी HTTP के 1, 2, 3 वर्जन्स आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया HTTP होता क्या है। अब आप सामने एक क्वेश्चन में रख रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HTTP किस लेयर पे काम करता है, ठीक है। किस लेयर मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा OSI मॉडल, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, किस लेयर पर काम करता है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। या ट्रांसपोर्ट TCP मॉडल भी पढ़ा होगा तो आपको पता है, तो आपको बताना है कि HTTP किस लेयर पर काम करता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो ढूंढिएगा, पढ़िएगा और आपको इसको आंसर दीजिएगा। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या रहता है आप ध्यान रखिएगा, कि जो बातें मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं बता सकता था, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी क्या करें, कुछ चीज़ों को सर्च करें और ढूंढ कर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं तो HTML, CSS, वेब API, JavaScript वगैरह ये सब यहाँ पर रहती हैं, यानी वेब पेजेस यहाँ पर हैं, और वेब पेजेस के बीच में कौन है? HTTP प्रोटोकॉल, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में। अब यहाँ पर देखो DNS सर्वर है, UDP है, TCP है, TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, DNS डेटा डोमेन नेम सिस्टम, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, और बीच में कौन काम कर रहा है? HTTP, यानी ये जो वेब पेज है इसको HTTP क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है नीचे की तरफ, और नीचे से जब डेटा ट्रांसफर होगा तो इधर जाएगा, यानी दो डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस यहाँ पर है, एक डिवाइस यहाँ पर है, बीच में कौन है? HTTP प्रोटोकॉल है, तो HTTP यहाँ पर पाया जाता है, ये उसका आर्किटेक्चर है, और यहाँ पर वेब पेजेस है। याद रखना है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि HTTP किस लेयर पर काम करता है, तो लगभग आप यहाँ से गेस कर चुके होंगे कि किस लेयर पर काम कर रहा होगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वेब पब्लिशिंग प्रोटोकॉल टूल्स, ठीक है। ये ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे वेबसाइट को डिज़ाइन करने, बिल्ड करने और इंटरनेट पे डालने के काम आते हैं, इंटरनेट पे अपलोड करने के काम आते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि बहुत आसान चीज़ है, इसमें जो है दो मतलब तीन तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, या तीन तरीके की चीज़ें यूज होती, तीन थ्री थिंग्स आर नेसेसरी। फर्स्ट है वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, यानी वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हमें डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे ड्रीमवीवर हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, ये सब क्या है? एडिटर है जिसमें हम आसानी से कोडिंग कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब भी जरूरत हमें पड़ती है, कभी अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम वेब डेवलपमेंट के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं उनको हम वेब डेवलपमेंट में मान लेते हैं। अगला आता है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सीधी सी बात है, अगर हमें वेबसाइट को अपलोड करना है तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? वेब सर्वर, जिस सर्वर पर हमें होस्ट करना है। तो याद करिएगा जब हम पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि वेब होस्टिंग बताया था, वेब होस्टिंग बताया था कि वेब सर्वर होना चाहिए, यानी डोमेन सर्वर होना चाहिए जहाँ पर अपलोड करते हैं वेबसाइट को, तो ये हो गया वेब सर्वर। इन तीनों चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है वेब पब्लिशिंग टूल्स में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे, आपका यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, और आगे के चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, कौन सा है क्वेश्चन? कि HTTP किस लेयर पर काम करता है, और दूसरा क्वेश्चन है आपको ये भी बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पब्लिशिंग एंड वेब होस्टिंग, ठीक है, दोनों में आपको
आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।